आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर ए वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क इज पुट इन कॉन्टेक्ट विद द सोनोमीटर बॉक्स, देन द राइडर ऑन द वायर, यहाँ पे फोर होगा, फोर ए वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क इज पुट इन कॉन्टेक्ट विद द सोनोमीटर बॉक्स, देन द राइडर ऑन द वायर फॉल्स डाउन, द फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क एज अ कम्पेयर टू दैट ऑफ सोनोमीटर वायर विल बी। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है कि एक ट्यूनिंग फोर्क है, ओके, और एक सोनोमीटर है। सोनोमीटर वायर मतलब पहले सोनोमीटर होगा, सोनोमीटर इस तरीके से बॉक्स होता है, यहाँ पे एक हिंज होगा, यहाँ से बीच इस पर एक वायर इस तरीके से खींचा हुआ होता है, यहाँ पुल्ली के सहारे वायर को नीचे लटका दिया जाता है। तो ये जो वायर होता है, जब ट्यूनिंग फोर्क, मान लीजिए ट्यूनिंग फोर्क का फ्रिक्वेंसी एफ है, तो इसको जब वाइब्रेट कराते हैं इसके पास लाकर, ओके, इसमें छेद भी होता है, साउंड बॉक्स जो होता है नीचे की तरफ, तो इसमें जो होता है इस तरीके से वेव का फॉर्मेशन होता है, स्टैंडिंग वेव का, ओके। तो हमारे पास ये जो हो गया कंप्लीट सेटअप हो गया, इतना हमें दे रखा है। अब बोला है कि जब इस पर हम ये जो वायर है इस पर एक हम इस तरीके से राइडर रख देते हैं। राइडर मतलब क्या होता है, कागज़ का टुकड़ा है, तो कागज़ के टुकड़ा को जब हम मोड़ते हैं इस तरीके से मोड़ देते हैं, तो इसमें क्या होगा, इस तरीके से हमारे पास का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये हमारे कागज़ का टुकड़ा को हमने इस तरीके से मोड़ दिया, इस तरह से मोड़ से इस पर हम रख दिए इस तरीके से। तो इससे क्या होता है कि जब इसमें बोल रहा है कि जो पेपर का हमने इस तरीके से बनाकर स्ट्रिंग पर रख दिया, छोटा सा पेपर, तो क्या होता है कि जब ट्यूनिंग फोर्क लाकर इसके सामने वाइब्रेट कराते हैं तो ये पेपर गिर जाता है, ऐसा क्यों होता है? और जब ऐसा हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क जो है सोनोमीटर के फ्रीक्वेंसी से किस तरह से रिलेशन में है, मतलब किस तरह से रिलेटेड है? तो देखिए क्या होता है एक्चुअली कि जब पेपर जो हमारा राइडर है वो तभी गिरेगा जब एम्पलीट्यूड जो होगा वाइब्रेशन का इस स्ट्रिंग का, इन दोनों इंड के बीच में जो है हमारा स्ट्रिंग होगा वो जोर जोर से वाइब्रेट कर रहा होगा, एम्पलीट्यूड उसका मैक्सिमम होगा, और एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने के लिए, हाई होने के लिए हमको रेजोनेंस का होना बहुत ज़रूरी है। रेजोनेंस होता है तो एम्पलीट्यूड जो होता है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है वेव का, ओके, तो स्ट्रिंग जो है जोर जोर से वाइब्रेट करेगा। और रेजोनेंस को होने के लिए क्या होना चाहिए, जो स्ट्रिंग का जो हमारे पास ट्यूनिंग फोर्क का फ्रिक्वेंसी है वही होना चाहिए सोनोमीटर का फ्रीक्वेंसी। तो जब दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच कर जाता है तो रेजोनेंस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस हो रहा होगा, तो रेजोनेंस हो रहा होगा इसमें, तो जो ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी एफ होगा वो किसके बराबर होगा, सोनोमीटर का जो वायर है उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा उसके बराबर होगा। मान लीजिए इसका एफ डैश है, सोनोमीटर का जो वायर है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वायर होगा इस तरीके से, जो यहाँ पे बीच में वायर होगा इस तरीके से, तो इस वायर के बीच में ए मान लीजिए, एक बी इंड मान लीजिए, तो इस वायर का फ्रीक्वेंसी एफ डैश है, तो एफ डैश जो होना चाहिए वो एफ के बराबर होना चाहिए रेजोनेंस होने के लिए। जब रेजोनेंस होगा तो एम्पलीट्यूड हाई होगा, एम्पलीट्यूड हाई होगा तो पेपर का राइडर ये फॉल हो जाता है, मतलब गिर जाता है, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा कि दोनों का फ्रीक्वेंसी हमारे पास इक्वल होगा। थैंक्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।